श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 तारीख रविवार को है नर्क चतुर्दशी, इसे शिवरात्रि भी कहा जाता है और इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। तो आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आपका मन करे, दिल करे, तो आप भी मुझे दिवाली की शुभकामनाएं जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरे लिए दिवाली गिफ्ट होगा आप लोगों का। चलिए वीडियो शुरुआत करते। तो पहला जो उपाय है, इस उपाय को करने से, इस उपाय को विशेष आपको घर में ही करना है। जी हाँ, घर में ही करना है, और इस उपाय को करने से आपके घर में खुशी आएगी, लक्ष्मी माता प्रवेश करेंगी, घर के सारे कार्य सिद्ध होंगे और घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। दूसरा जो विशेष उपाय है, इस उपाय को अगर आपने किया तो आपके घर से धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी, साल भर तक धन संपदा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। दोनों उपाय बहुत सरल है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला उपाय जैसा कि अगर आप लोगों ने धनतेरस पर जो गुरुजी ने बताया था, 2 सिक्कों की पूजा की जाती है। अगर आपने नहीं की है, तो अगर करी है तो उन सिक्कों पे ही आगे आपको पूजा करनी है, और अगर नहीं करी है तो आपके घर में लक्ष्मी माता की प्रतिमा तो होगी ही, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, अगर 2 सिक्कों की पूजा अगर आपने की है तो उसी के आगे आपको 2 दीपक लगाना है, और जिन्होंने नहीं किए वो घर में जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, फोटो है, उनके आगे यह पूजा करें। तो 2 दीपक तैयार करेंगे, ठीक है। 1 दीपक होगा गोल बाती का, घी का, ध्यान रखिएगा ना, गलती मत करिएगा। 1 दीपक गोल बाती का, घी का होगा, और दूसरा जो दीपक होगा वह आटे का होगा, चौमुखी दीपक होगा। और चौमुखी दीपक में हम सब ये गलती करते आते हैं, हम क्या करते हैं, लंबी बाती लेते हैं और लंबी बाती को दोनों तरफ से निकाल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको 4 बाती लेना है, यानी कि 4 बत्तियां लेना है, और चारों बाती को अलग अलग चारों दिशाओं में जमा लेना है दीपक के अंदर। वह दीपक होगा आटे का, और उस दीपक के अंदर आपको जो डालना है वह डालना है, सरसों का तेल डाल सकते हो, तिल्ली का तेल डाल सकते हो, या मीठा तेल जो मूंगफली का आता है वो डाल सकते हो। तीनों तेल में से कोई सा भी तेल आप डाल सकते हो, और उस तेल वाले दीपक के अंदर, चौमुखी दीपक के अंदर आपको डालना है थोड़ी सी सरसों, या तो पीली सरसों या फिर काली सरसों, दोनों सरसों में से जो सरसों आपको मिल जाए आसानी से, 2-4 दाने पीली सरसों के या काली सरसों के आप उस चौमुखी दीपक में डाल लो। आए समझ में इतना? आप देखो क्या करोगे, आपका उल्टा हाथ, जी हाँ, आपका उल्टे हाथ तरफ आपको लगाना है घी का गोल बाती का दीपक। शायद समझ में, आपका उल्टा हाथ तो माता लक्ष्मी का सीधा हाथ, वहां लगेगा गोल बाती का घी का दीपक, और आपका सीधा हाथ और माँ लक्ष्मी का उल्टा हाथ, उधर लगेगा चौमुखी दीपक तेल वाला, जिसमें 4 बत्ती हमने लगाई है, ठीक है। दोनों दीपक जला दीजिए, माता को कुछ मीठे का भोग लगा दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, जो घी का दीपक है उसे उठाएंगे और उससे माता जी को आरती उतारेंगे, ठीक है। आरती उतारी आपने गोल दीपक से, बाती वाले दीपक से, गोल बाती वाले दीपक से, उसको वहीं रख दीजिए। फिर माता को प्रणाम कीजिए, माता से कहिए कि हे माँ, विष्णु भगवान के साथ आप हमेशा हमारे घर में विराजमान रहो, हमारे यह कार्य रुके हुए बहुत दिनों से, इन कार्यों को पूरा कीजिए। इतना बोल के फिर जो चौमुखी दीपक है, आप ध्यान सुनना क्या करोगे, जो चौमुखी दीपक है ना, उस चौमुखी दीपक को अपने घर में, आपके पूरे घर में आपको घुमाना है उस दीपक को। और विशेष बात, जब ये पूजा करें आप, तो पूरे गेट, आपके घर के जितने भी गेट है, द्वार है, सारे गेट और द्वार खोल दे, फिर उस दीपक को, चौमुखी दीपक को उठाए, अपने पूरे घर में घुमाते हुए, जी हाँ, पूरे घर में घुमाते हुए उस दीपक को आपके घर का जो मुख्य द्वार हो, मुख्य द्वार की चौखट के बीच में उस दीपक को रख दो। आया समझ में? आपके घर का जो सबसे पहला गेट हो, चैनल गेट पहले बाहर है, अगर आपका चैनल गेट के वहां 2 पल्ले वाला गेट है, मतलब सबसे मेन एंट्री जो होती है ना घर की, आपकी सबसे पहले जो गेट पड़ता है आपके घर का, उस गेट के वहां आपको बीचम बीच चौखट के बीच में उस चौमुखी दीपक को रखना है। आया समझ में? इसे यह विशेष उपाय नर्क चतुर्दशी पर ही किया जाता है, और गुरुजी ने पहले की कथाओं में बताया, इस उपाय को करने से आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। दूसरा उपाय बहुत सरल है, और यह उपाय जैसे कि हर महीने शिवरात्रि आती है, सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखो, प्रदोष के अगले दिन शिवरात्रि आती है जो हर महीने पड़ती है।
तो आप क्या करो, एक समी पत्र लो। जो समी पत्र होता है वो महादेव और पार्वती माता का मिलन का प्रतीक है। जी हाँ, उमा और महेश के मिलन का प्रतीक है, और उनके मिलन से ही समी पत्र उत्पन्न हुआ था। तो आप क्या करें, शिवरात्रि के दिन एक समी पत्र ले और एक समी पत्र को हल्दी में डुबाकर निकाले, और उस समी पत्र को लेकर महादेव के मंदिर जाए और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर इसमें विशेष है कि आपको इस उपाय को या तो आप प्रदोष काल में करो, 6 से 7 के बीच में, 6:45 से 7 के बीच में, या फिर रात्रि में, शिवरात्रि वाले दिन 9 बजे के बाद करो। रात्रि में 9 बजे के बाद करो। दो विशेष टाइम इसके समय है, इसके प्रदोष काल में या फिर रात को 9 बजे के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो एक समी पत्र हल्दी में डुबाकर। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, 2-3 शिवरात्रि करके आप खुद देख लेना। वीडियो उपयोगी रहे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा।